कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लच्छेदार पराठा, जो आप बाजार में मिलते हैं। लच्छेदार पराठे जो आप डिफरेंट कंपनीज के लेते हैं और वो आप फ्रीज भी कर सकते हैं। ये वही वाले पराठे बनाने जा रही हूँ जिसके लिए मैंने 250 ग्राम मैदा आटा लिया है। 2 कप बनते हैं और ये है 250 ग्राम, और इसमें मैंने आधा चम्मच चीनी लिया है। इसमें ऐड करूंगी मैं बिस्मिल्लाह। ये मैंने आधा चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है, ये बेकिंग सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है। और इसमें 1/4 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। अब इसको मैं नॉर्मल पानी से गूंदना शुरू करूंगी, डो बनाऊंगी पराठों के लिए। इसको मिक्स करके पहले जो मैंने चीज़ें डाली उसको मैंने मिक्स कर लिया। तो अब इसमें पानी डालूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी डालना ऐसे करके। ये नॉर्मल पानी है जिसको ताज़ा पानी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रखना। ये आटा नॉर्मल रखना है, जैसे हम दूसरा घर वाला आम रोटी के लिए गंदम का आटा गूंदते हैं, ऐसे इसको गूंदेंगे हम। आप देख सकते हैं मैंने आटा गूंद लिया है। ये देखिए उंगली इसके अंदर आराम से जा रही है। बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए ऊपर से कवर करके रख दूंगी। 10 मिनट बाद इसको ऑयल लगाना। रखिए 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन ये 1/4 होगा, आधा चम्मच ऑयल मैं इसमें डालूंगी और इस आटे को अब अच्छे से नीट कर लेंगे। अच्छे से इसको नीट करेंगे गया। तो मैंने और इसके ऊपर ऑयल लगा के अब इसको मजीद में 20 मिनट के लिए रख दूंगी। गीले कपड़े से इसको कवर करके रख दूंगी। और लच्छेदार पराठे के साथ आज मैं बना रही हूँ हलवा, तो साथ साथ हलवा रेडी हो रहा है। तो अभी मैं शीरा बनाने के लिए रखा हुआ है, बस ये देखिए आटा रेडी हो गया माशाल्लाह। तो अब इसके मैं पेड़े बनाऊंगी। आपने जिस साइज के पराठे बनाने हैं, देखिए कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का आटा रेडी हो गया। तो अब इसके पेड़े बनाने के लिए मैं इसके पीसेस कर दूंगी। तकरीबन 4 बन गए। नीचे मैंने मैदा आटा ही लगाया है। बिस्मिल्लाह। इसको अच्छे से मैंने ये बेल लिया ऐसे करके। आप बड़ा भी कर लें, अगर ये फटती है तो कोई इशू नहीं है, ये नॉर्मल है। रोटी फट भी जाए तो कोई मसला नहीं है, पेड़ा तो अभी हमने रेडी करना है। अब इसके अंदर मैं घी लगाऊंगी। आपका घी ज्यादा नरम होना, ये इस तरह लिक्विड में ना हो तो ज्यादा अच्छा है। बेशक आप फ्रीज कर लें थोड़ा सा, फिर ठंडा भी ना हो, बस घी जमा हुआ होना चाहिए। और अब इसके अंदर मैदा आटा हम छिड़केंगे थोड़ा सा, कुछ ये ड्राई मैदा। अब इसको फोल्ड कर लूंगी मैं, यहाँ से ऑयल लेके यहाँ लगा दूंगी। दोबारा से इसकी फोल्डिंग दूंगी, यहाँ से ऑयल लेके यहाँ लगा लिया, थोड़ा सा आटा डाल दिया, इसको फोल्ड किया। यहाँ पे मैंने घी लगाया, क्रिस्पी आएगा इस तरह ऐसे फोल्ड करके। थोड़ा सा खींच के इसको और बड़ा कर ली, क्योंकि ये फटता कम ही है। फिर इस तरह आप फोल्ड करते जाएं ऐसे, यहाँ से सारा ऐसे आप इसको बंद कर दें। और आप इसको ऐसे रख दें। इसी तरह हम सारे पेड़े बना लेंगे। रोटी को मैंने बड़ा कर लिया, अब फिर इसके अंदर ऑयल लगाऊंगी मैं। यहाँ से ऐसे बंद करेंगे, पराठे को मैं अब दे लूंगी।
पेड़े बना के 15 से 20 मिनट के लिए रख दें तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा लच्छेदार पराठे का। तो मेरे पास टाइम नहीं है, सो मैंने रखे नहीं है, ताजे ही बना रही हूँ। इसी तरह मैं दूसरा बेलूंगी पराठा। पहले मैं सारे पराठे बेल के रख रही हूँ, तो उसके बाद तवे पे डालना शुरू करूंगी। अगर आप 15 से 20 मिनट पेड़े बना के उनको हल्का हल्का बेल के रख दें तो फिर जब आप पराठा बेलने लगते हैं तो वह उसमें ज्यादा इजी रहता है। ऐसे मैं खुश पराठा लगा के फिर इनको साइड पे रख रही हूँ। सारे बेल के एक ही बार तवे पे डालना शुरू कर दिया। ओके, वैसे तवा गर्म हो चुका है, इसके अगर अब मैं घी लगाऊंगी। आप ऐसे ऐसे करें इसको, इसके ऊपर तवे पे घुमाएं इसको, ताकि इसमें ऑयल, मैंने घी लगाया वही तो हो जाएगा। आपने भी ऐसे ही घुमाना है। दूसरी साइड कर लेंगे, इसको भी ऐसे घुमाना है। घी लगाऊंगी, दोनों साइड चेंज कर लिए। थोड़ा सा इस साइड पे, और ऐसे आपने प्रेस करना है घी लगा के। देखें कितना जबरदस्त कलर आया, गोल्डन कलर माशाल्लाह। दोनों साइड से ऐसे प्रेस करें। अच्छे से हल्की आंच पे इसको गोल्डन करना। इससे ये क्रिस्पी बनेगा। ये पराठा रेडी हो गया, और दूसरा डालते हैं। फिर आते हैं, ऐसे करके डाल देना। फिर इस तरह घुमाते जाए ताकि ये नीचे से इक्वल हो जाए। फिर बस पराठे हो गए रेडी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, समझ करें। Stay happy. Thanks for watching. Love you.